आतंकवादी समूह हमास के हमले ने इसराइल को स्तब्ध कर दिया है। चारों ओर दुश्मनों से घिरे देश ने भले ही हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाई है, लेकिन उसके सामने और भी मुश्किलें हैं। आपको बता दें कि हमास के हमले के बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें कई हमास आतंकी ढेर हो गए। इसके बाद लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने भी इसराइल में रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही इसने हमास को खुला समर्थन दिया, जिससे इसराइल की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिर इसराइल हमास लड़ाई में हिजबुल्ला की चर्चा क्यों है, क्या है हिजबुल्ला, यह संगठन कहां से चलता है, हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। शनिवार को हमास के हमले के बाद इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। इस बीच हमास पर हुई कार्रवाई से बौखलाया आतंकी गुट हिजबुल्ला भी सक्रिय हो गया। लेबनान स्थित संगठन ने इसराइली इलाकों में मिसाइलें और मोर्टार से हमला किया। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलें माउंट दो क्षेत्र में आकर गिरीं। वहीं इसराइल के सुरक्षा बलों ने भी जवाबी हमला किया। उसने लेबनान में तोप से गोले दागे। इसराइली सेना ने कहा कि IDF इस तरह के हमले की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी कर रहा था। सैनिक लेबनान सीमा पर मौजूद हैं। आतंकवादी समूह हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में लेबनान से मोर्टार हमले की जिम्मेदारी ली है। एक बयान में हिजबुल्ला ने कहा कि उसने माउंट डो इलाके में 3 इसराइली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है जो लेबनान के सरजमी पर मौजूद है। इससे 1975 से 1990 तक चले लेबनान गृह युद्ध की उपज माना जाता है। 1982 में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इसकी स्थापना की। इसका लक्ष्य ईरान में हुई इस्लामी क्रांति दूसरे देशों में फैलाने और लेबनान में लड़ रही इसराइली सेना के खिलाफ एक संगठन खड़ा करना था। अमेरिकी राष्ट्रीय आतंक निरोधक केंद्र के मुताबिक हिजबुल्ला कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है, जिसमें अप्रैल 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर आत्मघाती ट्रक बम विस्फोट, अक्टूबर 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरक और सितंबर 1984 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमला शामिल है। इसके साथ ही 1985 में TWA-847 विमान का अपहरण और 1996 में सऊदी अरब में खोबार टावर पर हमला भी इसी के द्वारा किया गया था। हिजबुल्ला 1992 से लेबनानी सरकार में शामिल हुआ। 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्ला ने 2 इसराइली सैनिकों का अपहरण कर लिया, जिसके बाद 2006 का युद्ध छिड़ गया। 2006 में हिजबुल्ला आतंकियों ने इसराइल की सीमा में घुसपैठ कर 5 सप्ताह का युद्ध लड़ा। इस दौरान उसने लेबनान में 1200 और इसराइल में 158 हत्याएं की। इसराइल पर हजारों रॉकेट भी दागे। वहीं सऊदी अरब का दावा है कि यमन में भी यह आतंकी संगठन उसके खिलाफ काम कर रहा है। 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक अल हरीरी की हत्या के बाद हिजबुल्ला के सहयोगी ने सीरिया में वापसी की। इसके बाद राजनीति में उतरा। लेबनान की सरकार को अमेरिका और सऊदी अरब समर्थक बताकर 2008 में राजधानी बेरूत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। 2018 में हिजबुल्ला गठबंधन ने संसद में बहुमत हासिल किया, लेकिन 2022 में उसे हार मिली। अपने कमांडर युग नियाह की मृत्यु के बाद से समूह के निशाने पर मध्य पूर्व के बाहर मौजूद इसराइली समर्थक रहे हैं। तब से यह संगठन अपने सबसे आक्रामक आतंकवादी अभियान में लगा हुआ है। जुलाई 2012 में हिजबुल्ला ने बुल्गारिया के बरगास में एक बस पर बम विस्फोट किया, जिसमें 5 इसराइली पर्यटक और एक बुल्गारियाई की मौत हो गई। कई अन्य साजिशों को विफल कर दिया गया, जिसमें 2014 में पेरू और थाईलैंड में गुर्गों की गिरफ्तारी और 2015 में विस्फोटक भंडार की जब्ती और साइप्रस में एक गुर्गे की गिरफ्तारी शामिल है। लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्ला अचानक इसराइल हमास युद्ध में कूद पड़ा है। उसने भी रविवार को इसराइली सैन्य ठिकानों पर हमले किए, खुद को फिलिस्तीनियों के साथ बताया। इससे रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई है हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खड़ा कर सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि इसराइल को आतंकी संगठन हिजबुल्ला से सचेत रहना होगा। 2006 की तरह वह उत्तरी इसराइल में एक नया युद्ध मोर्चा खोल सकता है। उसे इसराइल के कट्टर दुश्मन ईरान का समर्थन और सहयोग है। ईरान ही उसे और हमास को हथियार और खुफिया मदद देता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।